हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लजीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बघारी हुई मेथी की भाजी। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप तेल गर्म कर लिया है भगोने में, और मैं इसमें डालूंगी 1 प्याज जिसे मैंने इस तरह से काट लिया है स्लाइसली, और बहुत सारा लहसुन, 2 डली लहसुन की थी उसे मैंने छील कर बारीक चॉप कर लिया है। तो ये देखिए, लहसुन इसमें ज़्यादा ही डालिएगा, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ 100 ग्राम। ये देखिए, हम पेस्ट नहीं डाल रहे हरी मिर्ची का, हम हरी मिर्ची इस तरह से काट कर ही डालेंगे चॉप की हुई। बारीक, ज़्यादा बारीक ना करिएगा, बस ऐसे ही मीडियम रखिएगा। अब मेथी की भाजी को धोकर मैं इसमें डाल दूँगी। 4 गड्डी मेथी की भाजी ली है मैंने, उसी हिसाब से मैं सब चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। अगर आप कम भाजी बना रहे हो तो चीज़ें कम कर दीजिएगा, अगर आप 1 गड्डी बना रहे हो तो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कम कर दीजिए। तो ये 4 गड्डी का मैनेजमेंट मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के नमक। नमक डालते ही इसका पानी छूटना स्टार्ट हो जाएगा, ये गलने लगेगी। तो बस, और गैस की फ्लेम बिल्कुल फुल रखिएगा, हाफ फ्लेम पे या फिर लो फ्लेम पे ना बनाइएगा। तो ये देखिए, फुल फ्लेम पे रखा है मैंने, और ये देखिए पानी इसका छूटना स्टार्ट हो गया है, और ये सूख भी रहा है, और कितनी कम हो गई है इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो, बहुत कम हो जाती है ये पानी जब छूटता है। तो बस थोड़ी थोड़ी देर पे आप इसे चलाते रहिए, ऊपर नीचे कीजिए, ताकि मिर्ची, लहसुन, प्याज सब भाजी में अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना एक ही तरफ बैठ जाती है ये सब चीज़ें। और थोड़ी देर में हमारी भाजी बनकर बिल्कुल रेडी है। देखा ना आपने कितना ईजी है इसे बनाना, और खाने में तो बहुत टेस्टी होती ही है। तो ये देखिए जी, मैंने इसे इस तरह से सर्व किया है। अब मैं इसे इंजॉय करने वाली हूँ ज्वारी की रोटी के साथ। ज्वारी की रोटी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है इसे बनाने का, तो आप देख सकते हो और मेरे वीडियोस में जाकर। तो बहुत ही टेस्टी डिश मैंने बनाई है, आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई कीजिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।